अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाज़रीन। इस वक्त हम बस स्टैंड किश्तवाड़ में हैं, जहां पर पुलिस जो है वो सरप्राइज़ नाका लगाया है और गाड़ियों की चेकिंग जो है वो हो रही है। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर गाड़ियों की रैंडम चेकिंग हो रही है। यहां पर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और जो हाई बीम लाइट ऑन करके रखते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो अब पुलिस जो है वो कार्रवाई शुरू करेगी, क्योंकि नाइट आवर्स में जो है वो हाई बीम लाइट का जो है वो इस्तेमाल करना जो है वो बैंड है। अक्सर जो है उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं और जो हाई बीम लाइट होती है उसकी वजह से जो अपोजिट में ड्राइवर होते हैं उनको जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है गाड़ी को चलाने में। आप देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से इसको लो बीम लाइट है, हम देख सकते हैं इसको गाड़ी को यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस वक्त हम बस स्टैंड किश्तवाड़ में हैं और DYSP हेडक्वार्टर जो है वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त जो है वो गाड़ियों की जो है वो सरप्राइज चेकिंग चल रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर बस स्टैंड, ये किश्तवाड़ के विजुअल्स हैं। यहाँ पर जो है वो गाड़ियों को जो है वो चेक किया जा रहा है, हाई बीम लाइट जो है वो की जा रही है, चेक की जा रही है। DYSP हेडक्वार्टर जो है वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर ये देखिए, इसको हाई बीम लाइट है, इस पर भी जो है वो चालान होता है। हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो नाइट आवर्स में जो है वो हाई बीम लाइट का यूज़ ना करें, अब इस पर भी जो है वो आपको चालान होंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये इको आ रही, इसकी लो बीम लाइट है। इसी तरह की तो से जो है वो जब नाइट आवर्स में आप रश आवर्स में नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं या इंटीरियर जो है वो टोन्स में चल रहे हैं तो जो लाइट है इसको जो है वो लो बीम पे रखें। इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ सरप्राइज चेकिंग जो है वो चल रही है गाड़ियों की। ये एक अलर्टनेस जो है वो देखता है कि पुलिस जो है वो कितनी अलर्ट है, इस बात का अंदाज़ा जो है वो इस तरह की ड्राइव से जो है वो होता है। यहाँ पर जो है वो चेक किया जा रहा है गाड़ियों को, सवारियों को हाई बीम लाइट पर लेकर जो है वो पुलिस अब काफ़ी स्ट्रिक्ट होने जा रही है। आप देख लीजिए जैसे ये इको है, इसको भी जो है वो हाई बीम लाइट है, या वो जो दूसरी गाड़ी है उसने भी जो है वो हाई बीम लाइट ऑन करके रखी है, जिससे ये भी जो है वो हाई बीम लाइट ऑन करके है गाड़ियाँ, जिसकी वजह से अक्सर जो है वो ड्राइविंग में प्रॉब्लम होती है। लाइट लाइट डॉन कर, हाई बीम लाइट के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयां चल रही है। यहाँ पर अब पुलिस ऑफिशल्स ने बताया है कि जो भी मॉडिफाइड लाइट्स होंगी उन पर जो है वो चालानिंग जो है वो की जाएगी। आप देख रहे हो जिस तरह से ये है, इसकी भी जो है वो लो बीम लाइट ही इस वक्त चल रही है। जो लाइट है, जो हाई बीम लाइट है उसकी वजह से जो है वो जो आगे से गाड़ी आती है उसकी वो लाइट जब उसकी आंखों में पड़ती है उसकी वजह से जो है वो उसको जो है वो रास्ता कभी कभार नज़र नहीं आता है और आंखों में लाइट पड़ने से जो है वो ब्लिंकिंग होती है, जिसकी वजह से जो है वो कभी भी एक्सीडेंट होते हैं या जो है क्लैशेस कोलाइड होता है, होती है गाड़ी आपस में जो है वो टकरा सकती हैं गाड़ियाँ। जैसे इसकी लाइट है ये भी लो बीम लाइट है, इसी तरह से जो है वो रात को जो है वो लो बीम लाइट रखनी है और उसी कंडीशन में रखनी है, और जबकि आगे से आपको कहीं गाड़ी ना हो, क्योंकि जब हाईवे पे हम चलते हैं तो दूर से जब लाइट दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि अपोजिट में कोई गाड़ी आ रही है। जब वो आप उसके नज़दीक पहुँचो तो उस वक्त जो है वो लाइट को जो है वो डोन करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आगे से जो ड्राइवर आ रहा है उसको भी जो है वो कोई जो है वो नुकसान नहीं होगा। इस वक्त हम बस स्टैंड पे हैं और इस वक्त जो है वो गाड़ियों की जो है वो चेकिंग चल रही है। सिर्फ ये चेकिंग है और इस तरह की एक्टिविटीज़ इसलिए होती है कि एक तो अलर्टनेस देखी जाती है और दूसरा हमने देखा था कि लगातार
तीन दिन जो है वो पुलिस ने इसी तरह की ड्राइव में जो है तीन ड्रग पेडलर जो है वो रेड हैंडेड पकड़े थे यहाँ पर, उनसे जो है वो ड्रग्स भी जो है वो बरामद हुआ था। तो यहाँ पर इस तरह के इनपुट भी आते हैं पुलिस को, और इसलिए जो है वो क्योंकि ये रश आवर होता है इस वक्त जो है वो इलिसिट लिक्वियर सप्लाई होती है या जो ड्रग्स वगैरह है वो भी सप्लाई होता है। तो हमने देखा था कि तीन पेडलर्स को जो है वो पकड़ा गया था यहाँ पर पुलिस की तरफ से, और वो एक तरह से लाइव रेड थी जो हमने खुद अपनी आंखों से देखा। इस वक्त भी जो है वो पुलिस चेक कर रही है यहाँ पर। यहाँ पर बस स्टैंड पर हम इस वक्त मौजूद हैं, रैंडम चेकिंग हो रही है गाड़ियों की। आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस की टीम लगातार यहाँ पर नाका लगा हुआ है। DYSP ऑपरेशन जो है विशाल शर्मा वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप हम उनको भी फोकस करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर वो भी जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस इस वक्त काफ़ी अलर्ट है, मल्टीपल पर्पज़ हैं इस तरह की जो चेकिंग है और नाके लगाने की। एक तो अवेयरनेस की जा रही है गाड़ियों को, जिस तरह से हाई बीम लाइट यहाँ लग रही है, क्योंकि हमें सीनियर ऑफिशल्स ने बताया कि अब हाई बीम लाइट्स पे भी जो है वो चालानिंग होगी। और उसके बाद जो है वो दूसरा ये है कि जो ड्रग पेडलर्स जो है वो पकड़े गए पुलिस की तरफ से, वहाँ पर भी जो है वो हमने लाइव जो है वो कवर किए हैं थे। आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर जो है वो गाड़ियों की सरप्राइज चेकिंग हो रही है, और यहाँ पर पुलिस ने जो है वो नाका लगाया है। और हमने दिखाया था आपको कि किस तरह से लाइव जो है वो तीन ड्रग पेडलर जो है इसी तरह की रेड्स में जो है वो पकड़े गए थे। सीनियर ऑफिशियल्स खुद यहाँ पर मौजूद हैं। बस स्टैंड किश्तवाड़ पर इस वक्त हम खड़े हैं। अब सारे सीनियर ऑफिशियल्स आ चुके हैं यहाँ पर, SHO किश्तवाड़ भी आ चुके हैं यहाँ पर, DSP ऑपरेशन, DSP हेडक्वार्टर भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे हैं ये विजुअल्स बस स्टैंड किश्तवाड़ के, लगातार यहाँ पर जो है वो गाड़ियों की फ्रिस्किंग चल रही है। यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग जो है वो बस स्टैंड पर जारी है। हम इस वीडियो को इस मैसेज के साथ क्लोज करेंगे कि जो पुलिस है वो किश्तवाड़ में जो है वो हाई बीम लाइट पे भी जो है वो अब चालान करना शुरू करेगी, और जो भी लोग हाई बीम लाइट का इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी, और उनको भी जो है वो घरों में जो है वो चालान जो है वो भेजे जाएंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।